श्री राम सेना चीफ डिमांड्स बैन ऑन ऑल मदरसास। ही सेड दैट नेशनल एंथम इज नॉट सांग एंड नो रूल और रेगुलेशन इज फॉलोड इन मदरसास डिस्पाइट ग्रांट्स बीइंग प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। हिंदू टैक्स पेयर्स मनी इज बीइंग वेस्टेड ऑन मदरसा एजुकेशन इन द कंट्री। इफ द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट डू नॉट हीड अवर डिमांड फॉर द बैन देन श्री राम सेना विल स्टार्ट एन एक्टिव कैंपेन अगेंस्ट द मदरसा। दर्शकों ब्रेक तो बाद आप सब कहते हैं व्यूअर्स गलबात करेंगे कि कर्नाटका में श्री राम सेना के मुखी वालों कहा गया है कि भारत में सारे मदरसों पर पाबंदी लगनी चाहिए है। इस तो पहला राम सेना मुखी ने कर्नाटका में गैर कानूनी चर्चा ढाने की जी कारवी दी सी। सो कि भारत एक हिंदू राष्ट्र बन चुका है, इस बारे आप गलबात कर जा रहे हैं। सो असं चाहवेंगे कि तुसा इसी तरह बने रहना देखने सुनने एंड लिखने लिए सब का बहुत बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो पिछले सैगमेंट असी गलबात की है कि किवें ये भारत नूं जिहड़े लोग देखते ने समझते ने कि उत्थे किस किस्म दा नफरत भरिया माहौल स्टेट लैवल दे उत्ते क्रिएट किया गया है, किवें स्टेट पैटर्नाइज कर रही है, मीडिया बल्दी दे उत्ते तेल दा काम करदा है और जुडिशरी इस वेले हिंदू तवियां दे एजेंडे नूं ना सिर्फ डिफेंड कर दी है सगों उस नूं अगे तोर रही है। अच्छा, और असी ऑलरेडी जिक्र किया सी कि किवें बाबरी मसीत दे केस नूं जुडिशरी ने किस तरह अल्टीमेटली जिहड़े बलवा करन वाले सी हमलावर सी उस नूं तोड़न वाले उन्हां दे हक च फतवा दित्ता 9 नवंबर 2019 नूं। और उदों हिंदू तवियां वल्लों ये कहा गया कि ये तो पहली झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। सो मथुरा का केस लोकल जुडिशल अदालत ने ऑलरेडी उलझा लिया हुआ है। आने वाले पीरियड असी देखांगे कि गल होर हिंदू तवियां दे हक च जाएगी, पर ऑल ऑफ ए सडन वाराणसी काशी बनारस उस दी ज्ञानवापी मसीत नूं लै के पंज हिंदू औरतां ने दिल्ली दियां रहण वालियां उन्होंने क्या जी सानू सुपने च आ देवते आए ने ते आ देवियां आई हैं कि अंदर साडा जिहड़ा है वह असी पूजा करनी है। और लोकल अदालत जा रहा है उत्थे जोगी दे बंदे बैठे हुए ने, उन्होंने कहा जी असी सर्वे टीम बना दिती है, वो जाके अंदर सर्वे करेगी कि कोई निशान कोई मंदिर दा कोई दूजा है। और अचानक जिहड़ा उन्होंने अगले दिन आ जाता है जी, उन्हें रिपोर्ट ने कोर्ट ने सील करन दा ऑर्डर किया है क्योंकि कंपलैक्स के अंदर मसीत कंपलैक्स के अंदर तालाब के नेड़े उन्होंने शिवलिंग मिले। हालांकि मैं कितने देख रहा सी एक्चुअली वो तालाब का एक फुहारा, हूँ फुहारा भी ऐ ही बल्ज किया होंगे जो जहाँ शिवलिंग बनाया होंगे इन्होंने वो है, पर उन्होंने शिवलिंग कह के कोर्ट ने उन्होंने सील करन दा ऑर्डर कर दिता है। हुण लोकल अदालतों तो जो हुंदा है वो तो आस हुंदी है कि भाई वो किवें खरीदे हुए जो अपना हिंदू तो भी एजेंडा कर रहे हैं परस्यू, पर जदों इस दे उत्ते सुप्रीम कोर्ट च विरोधी धिर ने जाहिर है जिहड़े मसीत दे प्रबंधक ने उन्होंने पटीशन की तो हुण सुप्रीम कोर्ट भी खुल के हिंदू तवियां दे हक च आ गया। ज्ञान व्यापी केस सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स प्रोटेक्शन ऑफ एरिया वेयर शिवलिंग फाउंड। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने भी कहता जी उस एरिया नूं सील कर दिओ, सुरक्षित कर दिओ जिथे कि शिवलिंग मिले। सो जाहिर है कि जिवें यही काम अदालतों ने बाबरी मसीत दे वेले कीता सी। पहला उन्होंने कहा जी अच्छा सबूत चाहिए ने, ASI आ गई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, खोदो जी थलों मूर्तियां निकल आई हैं, जिथे मर्जी मूर्तियां रख दो उत्थों चुक लो, रात नूं रख दो सवेरे कढ़ लो, अदालत च हो गया जी मूर्तियां मिल पई हैं। हुण गल कल्ली ये नहीं है भी ये जिवें असी कल भी जिक्र किया सी कि अड्ड लैवल दे उत्ते ये लड़ाई वो लड़ रहे हैं, अड्ड जथेबंदियां अपने काम ते लगियां हुई हैं। और इस तरह श्री राम सेना ना दी एक ऑर्गनाइजेशन कर्नाटका दे विच क्योंकि BJP दी हकूमत है, पहला उन्हां दी एक स्टेटमेंट राम सेना दी 14 मई नूं सी कर्नाटका दे हवाले नाल, श्री राम सेना कॉल्स टू डिमोलिश इलीगल चर्चिस। ये राम सेना ने कहा कि भी बुलडोज कर दिओ भी स्टेट दे विच बहुत सारे इलीगल चर्च बने हुए ने, हिंदुआं नूं कन्वर्ट किया जा रहा है और ये सारे नूं, और उन्हें कहा भी आई वुड रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट टू डिमोलिश ऑल द चर्चिस, ये स्टेटमेंट जिहड़ी है। और उन्हें कर्नाटका गवर्नमेंट ने कहा जी चर्च सर्वे तुहाडा ठीक नहीं है, साढ़े सर्वे मुताबक इन्ने% 90% चर्च इलीगल ने, इन्हों डिमोलिश कर दो। अजय
इस स्टेटमेंट की स्याही भी नहीं सी सुखी ते अज मेन स्टेटमेंट श्री राम सेना चीफ डिमांड्स बैन ऑन ऑल मदरसास उन्हें मंग की है इदा ना राम सेन प्रमोद मुथाकिक है हैज़ डिमांडेड ए बैन ऑन मदरसास इन इंडिया ही सेड दैट नेशनल एंथम इज़ नॉट संग एंड नो रूल और रेगुलेशन इज़ फॉलोड इन मदरसास डिस्पाइट ग्रांट्स बीइंग प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट क्या जी ग्रांटा गवर्नमेंट दिंदी है उत्थे कोई नेशनल एंथम नहीं है उत्थे कोई भारत माता की जय नहीं करता इसलिए हिंदू टैक्सपेयर मनी इज़ बीइंग वेस्टेड ऑन मदरसा एजुकेशन इन द कंट्री क्या जी साड़ी हिंदुओं की टैक्सपेयर मनी है पर उन्होंने कहा जे बंद ना किते वी विल लॉन्च एन एक्टिव कैंपेन अगेंस्ट मदरसास इफ द प्रिम्स इज आर नॉट बैंड इफ द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट डू नॉट हीड अवर डिमांड फॉर द बैन दैन श्री राम सेना विल स्टार्ट एन एक्टिव कैंपेन अगेंस्ट द मदरसास सो एक पासे चर्च ढा दौ दूजे पासे मदरसे सारे बंद कर दौ तो सुप्रीम कोर्ट जिदे कोल अदरवाइज जग्गी जौल वर्गे केस का जिहड़ा जग्गी जौल ब्रिटिश सिटीजन पिछले चार साल तो उन्हू जिहड़ा रख्या जेल दे विच तिहाड़ दे विच टॉर्चर कर रहे हैं और क्योंकि पिछले वीक असी प्रोग्राम नहीं सी कर सके और पिछले हफ्ते रिपोर्ट सी यूनाइटेड नेशनस का जिहड़ा ग्रुप है सारे दे उत्ते अगेंस्ट आर्बिट्रेरी अरेस्ट उन्हां दी रिपोर्ट सी जिहड़ी बीबीसी ने मेन खबर बना के छापी सी यूएन ग्रुप नो लीगल बेसिस फॉर जगतार सिंह जौल्स डिटेंशन इन इंडिया कि भई ये जिहड़ी जग्गी जौल नूं डिटेन किया होया बिल्कुल इलीगल है और ये यूनाइटेड नेशनस वर्किंग ग्रुप ऑन आर्बिट्रेरी डिटेंशन हैज सैड दैट मिस्टर जौल हैज़ बीन डिटेन्ड आर्बिट्रेरीली एंड शुड बी रिलीज्ड इमीडिएटली हूँ जेडे सुप्रीम कोर्ट नूं वो फुहारा जिहड़ा बिच्चों निकलिया उहदे चों शिवलिंग नज़र आंदा है सुप्रीम कोर्ट नूं उसे ही दिल्ली शहर की तिहाड़ जेल च ब्रिटिश सिटीजन चार साल तो जिन्हों टॉर्चर किया गया और ये यूनाइटेड नेशनस की बॉडी कह रही है कि आर्बिट्रेरी डिटेंशन है वो नज़र नहीं आती और ये जड़ा उन्होंने वर्किंग ग्रुप इज़ ए पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स विच इन्वेस्टिगेट्स वैदर ए परसनस डिटेंशन ब्रीचिज एक्सैप्टड स्टैंडर्ड्स इन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ ये जड़ा यूएन का ग्रुप है इन्हें कहा भी इंडिया ने सारे ही जड़िया जड़े इस दे उत्ते क्लॉज ने इंटरनेशनल जड़े ने ह्यूमन राइट्स लॉ दे उन्होंने वायोलेट किया है और इन्हें डैमनिंग न्यू फाइंडिंग ऑन द केस इट स्टेटेड दैट देयर हैड बीन वायोलेशंस ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स इन द अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ मिस्टर जौल एज वेल एज मल्टीपल वायोलेशंस ऑफ हिज राइट टू ए फेयर ट्रायल कि उसका कोई ट्रायल फेयर नहीं हो रहा है गिरफ्तारियों के वेले भी सारे इंटरनेशनल नॉर्म्स दी धज्जियां उठाई गई हैं इट कॉल्ड ऑन इंडियन गवर्नमेंट टू टेक अर्जेंट एक्शन टू इनश्योर द इमीडिएट अनकंडीशनल रिलीज ऑफ मिस्टर जौल कि भाई उन्होंने बिना कंडीशन दे जड़ा है वो रिलीज़ किया जाए कला रिलीज़ ही नहीं एंड अकॉर्ड हिम एन एनफोर्सेबल राइट टू कंपनसेशन एंड अदर रैपरेशन इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल लॉ कि जड़ा चार साल तो वो वापरिया उस दे लई तुसीं जिम्मेवार हो उन्होंने कंपनसेशन दिता जाए और उसकी फॉरन रिलीज़ की जाए हूँ ये बहुत वड्डी गल है भी इस लैवल ते जड़ा यूएन दा दी रिपोर्ट है लेकिन इस सारे दे विच इहदा कोई असर नहीं होना क्योंकि वो इस वेले सीधे सीधे जुलम दे नाल अन्नी ताकत दे नाल घट गिणतियां नूं सबक सिखा रहे ने घट गिणतियां नूं हिंदुत्वा दे खारे समुंदर च डोबना चाहुंदे ने और जग्गी जौल दा केस एक टिपिकल केस है कि जिहदे च वो विआह कराउण लई जांदा है कुछ हफ्ते बाद अपनी सिंगणी दे नाल वो शॉपिंग कर रहा उहनूं चुक लिया जांदा है उहदे ते झूठे केस पाए जांदे ने चार साल बीतण दे बावजूद इहदे बावजूद कि 100+ मैंबरस पार्लीमेंट ने लिखिया हुण यूएन दे इस ग्रुप ने भी ये कहा कि भाई आर्बिट्रेरली उहदी अरेस्ट है उहनूं रिलीज़ करो फॉरन और उसनूं कंपनसेशन दिओ जो तुसीं काम कीता लेकिन किसी ने यह सुनवाई नहीं करनी है क्योंकि स्टेट जुलम दे उत्ते उतारू है और यूके दा प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन वो तो उत्थे जा के मोदी दे गुण गायन कर रहा अदरवाइज जे कोई गैरतमंद मुल्क हुंदा है उहदा शहरी तो हुंदा कि जी मेरा आवांगा ही उत्थे तां कि मेरे मुल्क दे सिटीजन नूं जिहनूं तुसीं गैर कानूनी तरीके नाल इंटरनेशनल लॉ नूं वायोलेट करदे अरेस्ट किया होया उहनूं तुसीं छड्डो पर ये तां सारे ही
ਕੰਟਰੀ ਆਫ ਸ਼ਾਪਕੀਪਰਸ ਤੇ ਚੋਰ ਤੇ ਕੁੱਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਥ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਮਿਲਦੇ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ